चुकंदर मुझे और खाते रहते हैं हम इसको। हाँ अच्छी है। अच्छा हाँ टेस्ट भी अच्छा है इसका। क्या चीज है ये? अरे भाई साहब भाई अभी आया मथुरा में, मथुरा की गलियों में, और हमें एक चीज दिखी है, बड़ी यूनिक सी आइटम दिखी है हमें। सामने हमारा भाई खड़ा है, नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या बेच रहे हो ये चीज़? क्या है ये? भाई मक्खन की मिठाई है। मक्खन की मिठाई? मिठाई तो ये आप मतलब घर पे बनाते? क्या है ये चीज़? घर पे ही बनाते हैं। क्योंकि हमारे दिल्ली में तो ये चीज़ कभी मिलती नहीं है। ये आगरा की फेमस मिठाई है। आगरा की फेमस मिठाई है। तो कैसे कैसे बनाते हो आप इस चीज़ को? इसको बनाते हैं मतलब इसका कच्चा छेना लाते हैं। कच्चा छेना बना हुआ? बना हुआ। तो हम इसे इसके ऊपर मक्खन की परत चढ़ाते हैं, बर्फ के ऊपर। अच्छा बर्फ की परत चढ़ाते हो उसके ऊपर? अच्छा नहीं, नहीं, मक्खन की परत चढ़ाते हैं। मक्खन की परत चढ़ाते हो? अच्छा। और फिर वो बना के और पीढ़ी में लगा देते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। अच्छा तो एक बार दिखाओगे इसके अंदर कैसा है? तो भाई एक बार दिखाते हैं इस चीज़ के अंदर क्या है। ये दिखाना भैया क्या चीज़ होती है? अच्छा ये गोले से, ये गोल, ये चीज़ है। हाँ। अच्छा मक्खन की मिठाई। हाँ। क्या बात है भाई साहब, बर्फ के अंदर लगा रखी है, बड़ी ठंडी लग रही है। और भाई एक बार बना के दिखाना जरा, बना के क्या काट के दिखाओगे है ना? बना के दिखाओ। तो भाई कितना समय हुआ आपको इस काम को करते हुए? और आपने तो साइकिल पे ही पूरा सेटअप कर दिया है। बहुत पुरानी आइटम है। बहुत पुरानी आइटम है। अच्छा जी क्या बात है भाई साहब। और इसके अंदर ये क्या है लाल लाल? ये छेना है। छेना? यार छेना तो मतलब वाइट कलर का होता है। ये अलग तरीके से बनता है। ये अलग तरीके से बनता है। क्या बात है भाई, दिखाना जरा एक बार। अरे भाई साहब ये चीज़, अरे बड़ी ठंडी है यार ये चीज़ तो। ये मक्खन तरबूजे और खाते रहते हैं हम इसको। हाँ अच्छी है। अच्छा हाँ टेस्ट भी अच्छा है इसका। एक बार खा के एक बार बताना क्या टेस्ट बढ़िया है इसका, कैसा नहीं अच्छा? मीठा है, खट्टा है? नहीं मीठा है, मक्खन का। मक्खन का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और हमारा भाई ये भीम भी लगा हुआ है इस चीज़ को खाने के लिए। भीम बताना जरा क्या चीज़ है ये? अरे भाई साहब मैं हो गया 30 साल का, मैंने आज से पहले ये कभी नहीं खाई भाई। तो भाई तारीफ तो हमने काफ़ी सुन ली इस चीज़ की, ठीक है। एक बार इसको ट्राई कर लिया जाए, इसका टेस्ट कैसा है? अच्छा लग अच्छा रहा है, ठंडा लग रहा है जैसा भाई ने बताया ना, उसमें छेना है, छेना का पूरा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। बस बाकी ये लाल लाल जो है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, अलग होता है क्या इसका फ्लेवर? ये अलग आता है ना? हाँ ये अलग ही है। तो जो ऊपर इसकी जो परत लगाई गई है ये क्या चीज़ है? ये मक्खन है। ये मक्खन है? अच्छा ये मक्खन है ऊपर तो, और ये भाई छेना है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर कभी भी आपको ट्राई करना है मथुरा के अंदर, आपको इस चीज़ को मक्खन तरबूज, अगर इस चीज़ को मक्खन तरबूज को अगर आपको कभी भी ट्राई करना है मथुरा के अंदर आके, तो आपको आना पड़ेगा गिया मंदिर रोड साइकिल पे भाई, गलियों में मिल जाएंगे, मथुरा गलियों में मिल ही जाएंगे। इस चीज़ को ट्राई करे बिना आप मत जाना। अगर ये ज़िंदगी में आपने खाई है तो भाई बार जरूर खा लेना भाई मेरी तरफ से, और बताओ ठीक है। लेकिन इसका जो स्वाद है वो बढ़िया लाजवाब है। ऐसी चीज़ कहीं नहीं खाई मैंने आज तक कभी, दिल्ली में तो ये चीज़ मिलती नहीं है, यहीं आके खाई है।